प्रभु का पावन नाम। जय कुटे सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी बच्चे तथा बच्चियों, आज 24 दिसंबर 2017 सायंकाल की बेला में साधना शिविर के अवसर पर उज्जैन आश्रम पर हमने आपने साधना किया। साधना का मतलब क्या होता है? साधना, जैसे लोग कहते हैं कि बछड़े को मैंने साध लिया, जानवर को, तोता को, कुत्ता बिल्ली को साध दिया, इन्हें सिखा दिया, सेट कर दिया। ऐसे ही अन्य साधने को, शरीर को साधने को, मन को साधने को, चित्त सही चिंतन करे, बुद्धि सही काम करे, उसके लिए साधना की जाती है। देखो, ये पंचभौतिक शरीर 5 तत्वों का बना हुआ, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, ये किसका है? जिसने दुनिया संसार बनाया है, निरंजन भगवान जिनको कहा गया, किसी ने काल कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने ईश्वर कहा, उनका बनाया हुआ। इसी भी शरीर के अंदर ही उन्होंने मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार यानी डाल दिया। इसके साथ ही साथ, शरीर के साथ ही साथ, यानी उसको भी लगा दिया। कुल मिला करके उनका यह निशाना रहा है कि ये जीव किसी भी तरह से अपने वतन, अपने मालिक के पास जाने न पाए। लेकिन चूंकि मसाला तो दिया हुआ सत्पुरुष का है, इसलिए उन्होंने उसमें गुंजाइश रखी। यानी यह समझ लो कि वो रास्ता जो जिससे जीवात्मा इस शरीर के अंदर डाली गई, वो यानी उसी से निकलने का, उसको ये बंद नहीं कर सका। यानी वो तो सबके अंदर है, लेकिन कर्मों का ऐसा विधान बना दिया कि जैसे बाहर की आंख में जाला माड़ा आ जाता है तो उसकी सफाई करानी पड़ती है, कहते हैं ऑपरेशन करके और आंख को बना देंगे, आंख को ठीक कर देंगे, तो जाला हटा देते हैं, माड़ा हटा देते हैं, तो इससे दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही यानी वो जो कर्मों का जाला माड़ा है, वो हटाने के लिए संत सदगुरु को इस धरती पर वो हमेशा यानी भेजा करते हैं, और वो यानी इस चीज का ज्ञान कराते हैं कि भाई इस शरीर को जो चलाने वाला मन है उसको साधो, क्योंकि मन ही इस शरीर को चलाता है। मन के कहने पर आप चल पड़ते हो, मन के कहने पर आप बैठ जाते हो, मन के कहने पर आप ध्यान भजन करने लग जाते हो। मन ही यानी समझ लो कि इस शरीर का राजा है। अब यह है कि मन जब साथ देता है तो अपना काम बनता है, यह शरीर भी सड़ जाता है और साधना भी बन जाती है, यानी जीवात्मा इससे निकल करके और मालिक के पास पहुंचने लग जाती है, यानी रूहानी सैर करने लग जाती है। तो अब आप ये समझो, मन साथ नहीं देता है तो मन इस शरीर को इधर उधर दौड़ाता रहता है, भोगों में यानी इसको लिप्त कर देता है, और जो असला काम है, असला निशाना जो है, उससे आदमी अलग हो जाता है,
और फंस करके और फिर अनि नरको 84 में अनि ये जीवात्मा को पहुंचा देता है, मार पड़ती है, काटी सड़ाई गलाई तो पाई जाती है। अब आप इस बात को समझो कि मन अनि कैसे खराब होता है और मन अनि कैसे सही होता है, इसको समझने और जानने की जरूरत है। तनिक देर में ही मन खराब हो जाता है और तनिक देर में ही मन सही हो जाता है। अभी घंटी बजी तो मन ने कहा चलो चलो चलो, देर हो जाएगी, एक एक मिनट अनि कीमती है, समय की कीमत है, घड़ी ये क्यों बनाई गई, घड़ी को देखते रहो, घड़ी की सुई जैसे जैसे चल रही है, एक एक सेकंड अनि समझ लो कि जीवन का समय ये निकलता जा रहा है, यह एक यादगार के लिए, अनि समझ लो कि जीवन का समय निकल रहा है। ऐसे ही मन कहता है समय निकल जाएगा और ये दोबारा समय जल्दी मिलेगा नहीं, मनुष्य शरीर दोबारा जल्दी मिलेगा नहीं, और मनुष्य शरीर दोबारा अगर मिलेगा नहीं तो जीवात्मा के कल्याण का अनिक्रम लोग की कोई रास्ता और किसी शरीर में है ही नहीं, तो ये फंस जाएगी। अब कितने जन्म तक ये फंसी रहेगी, कितनी बार इस धरती पर कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू अनि बन करके आना पड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मन ने कह दिया कि चलो अभी चलते हैं, अब कोई चीज सामने आ गई उसको देखने लग गया, कोई मन के खुराक वाली बात अन्य कोई बोलने लग गया उसको सुनने लग गए, उसमें समय निकल जाता है। अब आप व्यवहार को समझो कि मन तनिक देर में बिगड़ता है और तनिक देर में अन्य सही हो जाता है, तो बहुत कुछ असर खान पान का आदमी के ऊपर पड़ता है। देखो आप अंदाज करके देख सकते हो, आपका मन बहुत बढ़िया है, बहुत साफ है, और आप ये समझते हो कि आदमी ठीक नहीं है, ये लूट करके मार करके काट करके लाने वाला आदमी है, दूसरे के दिल को दुखा करने वाला दुखा करके लाने वाला आदमी है, और उसका दिया हुआ अन्य आप कोई चीज खा पी लो, अन्न खा लो, उसका आप समझ लो कि कोई चीज दिया हुआ फल फूल खा लो, तो फौरन मन के ऊपर असर आएगा, तुरंत आप ये देख लो। अन्य समझ लो कर्मी, यहाँ तक कि कर्मी अन्य आदमी के आंख से आंख मिल जाती है तो मन खराब हो जाता है। आप समझ लो कि यानी ऐसी कोई बात सुन लेता है आदमी तो उसका मन खराब हो जाता है। इसलिए दुनिया में साधकों को बड़ी ही सजगता से रहने की जरूरत है। खान पान का कितना असर होता है आपको दृष्टांत सुनना करके बताता हूँ। एक महात्मा जी जा रहे थे, तो महात्मा भ्रमण करते रहते हैं, चलते रहना चाहिए, और अगर पक्के ना हो जाए तो रुकना नहीं चाहिए, पक्के हो जाए तब तो कोई बात, कच्चा पक्का क्या मतलब होता है कि शरीर को मन को साध लें, मालिक की दया भरपूर मिल जाए ले लें तो एक जगह रुक जाना चाहिए, और नहीं तो कहा कि रमता योगी और बहता पानी, पानी अगर बहता रहे तो उसमें गंदगी नहीं रहती है, लेकिन पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो उसमें सड़न गलन बदबू आने लगती है। ऐसे ही योगी हो साधक हो प्रचारक सत्संगी हो, एक जगह जमना नहीं चाहिए, चलते रहने चाहिए। तो चलते चलते एक गांव में पहुंच गए तो देखा कि वातावरण अच्छा है और गांव के लोग प्रेमी हैं, तो उस समय पर बड़ा सम्मान था साधुओं का, अब तो साधु महात्मा को लोग देखते हैं तो मुंह उधर कर लेते हैं कि कुछ मांग न बैठे हैं। दूसरी बात यह है कि वेश को बदनाम करने के लिए अन्य लोगों ने वेश धारण कर लिया, जगह ले लिया, गद्दी ले लिया, अब वहां से अन्य समझ लो कि वहां का लोगों का दिया हुआ अन्न खाने लग गए, तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो उससे क्या हुआ कि चाल चलन यानी आदमी का खराब हो गया, विचार व्यवहार खराब हो गया, तो लोगों को यानी आस्था और श्रद्धा यानी आप संतों से बहुत कम रह
रहने लग गई, महात्माओं के वेश और उनसे बहुत कम रहने लग गई, जब तक उनकी पहचान नहीं होती है। तो बाहर से यानी दाढ़ी बाल से और कपड़े से और चेहरे मोहरे से पर्सनालिटी से तो पहचान सत महात्माओं की होने ही वाली नहीं है। जब तक अंतर में पहचान नहीं होती है तब तक ये नहीं पता चलता है कि कौन सच्चे हैं, कौन अच्छे हैं, कौन खरे हैं और कौन यानी योगी हैं, कौन भोगी है। तो वहाँ पर पहले के समय में यानी वेश को वही धारण करते थे, श्राद्ध यानी वही बनते थे जो साधना करते थे, अपने को साध लेते थे, मन चित बुद्धि यानी इंद्रियों को साध लेते थे, यानी वही साधु हुआ करते थे। तो गांव के लोग आए और प्रणाम किया और कहा महाराज शाम हो रही है तो आज यहीं विश्राम कर लीजिए। तो रमणीय का स्थान था, वहीं पर विश्राम किया उन्होंने। दूसरे दिन सुबह जिस तरह से लोग, बहुत से लोग अभी मंदिरों में लोग जाते सुबह सुबह उठ करके, इसी तरह से जब कोई साधु महात्मा या इस तरह के लोग आ जाते थे तो सुबह सुबह यानी उनके पास लोग जाते थे, महात्माओं के पास जाते थे, क्योंकि साध के हुए न कारण हानि, साधकों से आने और समझ लो कि संतों से कोई हानि नुकसान नहीं होता है, कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, कुछ न कुछ फायदा ही होता है। क्योंकि कहा गया ना परमार्थ के कारण ही और संतन धरा शरीर, संत परमार्थ के लिए ही आते हैं। तो सुबह सुबह लोग फिर पहुंच गए, पहुंच गए तो उनके साथ में जो और लोग थे, दो चार पांच जो भी रहे हों, यानी उनकी दिनचर्या दूसरी ही थी, गृहस्थों से अलग थी। सुबह जल्दी उठना, शौचार्थ से निवृत्त होकर के और अपना ध्यान भजन करना, दैनिक क्रिया यानी में लगे हुए थे। लोगों ने दूर दूर से ही देखा तो कहा भाई देखो कितना अनुशासन है और कितना नियम इनमें है, और देखो किस तरह से लोग यानी भजन पूजन कर रहे हैं, और देखो घंटों हो गया हमको बैठे हुए और हिल नहीं रहे हैं, और देखो एकदम से, तो बात तो कुछ जरूर है महात्मा जी। हम महात्मा जी भी देखो खुद भी सबके साथ यानी बैठे हुए हैं, तो गुरु होते हुए भी और शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं, तो बात तो इनमें है। तो अब वहीं पर लोग बैठे थे, कुछ लोग तो देखते रहे, कुछ लोग प्रभावित हो गए और कुछ वहाँ का बोले महाराज अब क्या लाऊं, तो कोई जो है साग सब्जी लाने लग गया और कोई दूध भी लाने लग गया और कोई अनाज लेकर के आया और कहा महाराज अब आप यहीं प्रसाद बनता है और यहीं पर आप प्रसाद लीजिए और फिर महाराज आज रुको। तो लोगों का प्रेम यानी देख करके महात्मा जी रुक गए। जब रुक गए तो शाम को फिर लोगों ने कहा कुछ सुनाइए, तो सुनाया। अब जब कान से कोई चीज सुनते हैं तो वो चीज यानी समझ लो कि यानी सुनने के बाद यानी समझ लो अच्छी तो लगती है, लेकिन यह है कि जब जीवात्मा के कान तक वो चीज पहुंच जाती है और वो ग्रहण कर लेती है तो फिर वो चीज और बहुत अच्छी लगने लगती है, क्योंकि उसका कान अलग है। तो उस वहां तक यानी जीवात्मा तक वो बातें अंदर जैसे कहते प्रवेश कर जाता है कोई चीज, जैसे दवा अंदर यानी नस में इंजेक्शन लगाओ तो अंदर वो चली जाएगी और पूरे शरीर में फैल जाएगी, ऐसे ही ऐसी बातें होती हैं महात्माओं के संतों की, दिल में बैठ जाने वाली, कहते हैं दिल में बात बैठ गई यानी दिल में ये चुभन हो गई, दुनिया की तरफ से उदासीनता आ गई, यानी समझ लो मालिक की तरफ लगाव बढ़ गया, बातों को सुन करके प्रभावित हो गए, लोग प्रभावित हो गए तो यानी सुन करके चले गए। फिर वहाँ एक व्यापारी रहता था पठान नाम का, छोटी मोटी दुकान करता था, तो लालची बहुत था, लालच उसको थी यानी कि हमारे पास धन हो जाए, मान प्रतिष्ठा हो जाए, पौरुष हो जाए, यानी इसका लालची था। तो वो भी लेकर के गया अनाज वगैरह, वो भी लेकर के गया, छोट को जो है हमारा जी ने अलग रखवा दिया और सत्संग सुनाया, कहा देखो भाई यानी अन्न का बड़ा असर होता है, और किसी को मार करके लाओगे, काट के दिल दुखा करके लाओगे तो आने समय लो कि उसकी आह उसके साथ जुड़ी रहेगी और फिर वो तुमको तकलीफ देगी। तो अब जब वो सुना और उस चीज को समझा और जब महाराज जी ने इस बात को बताया, कहा भाई मेहनत और ईमानदारी पर अपने भरोसा रखो, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो, देखो पैदा होने के पहले जो माँ के स्तन में दूध भर देता
परवरिश वही करता, देता वही है। तुमको जब उस पर से विश्वास हट जाता है तब तुम लूट खसोट और जो है सारी चीजों को, सारे नैतिक कार्यों को करने लगते हो और सब सामान साजो साजो सामान इकट्ठा करने लगते हो और आखिर में इसको छोड़ करके चले जाते हो। ये किसी के साथ साजो सामान घर मकान और रुपया पैसा आज तक गया ही नहीं और तुम्हारे साथ भी नहीं जाएगा। तो जब सुनाया तब उसी समय उसने काम पकड़ लिया, कहा अब और बेईमानी नहीं करेंगे। दूसरे दिन फिर वो यानी समझ गया कि ये देखो ये बेईमानी का लाए थे और हमारा अलग रखवा दिया उन्हें, और हमें भंडारे में नहीं प्रयोग करने दिया। समझ गया, दूसरे दिन से एकदम ईमानदारी शुरू कर दिया। ईमानदारी शुरू किया, लाने लगा तो भंडारे में लगने लग गया। अब गांव वालों में इतना स्नेह हो गया, गांव वालों में इतना प्रेम हो गया और महात्मा और महात्माओं के अन्य प्रेमियों को इतना स्नेह हो गया गांव वालों से है कि लोगों ने कहा महाराज यहाँ के गांव के लोग बड़े प्रेमी हैं और यहाँ पर कुछ दिन रुक जाइए और सत्संग सुना दीजिए, इनको नाम दान दे दीजिए। रुक गए। अब धीरे 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 समय निकल गया और वो मेहनत ईमानदारी की कमाई करने लग गया तो उसने उसकी बरकत होने लग गई। तो उसने कहा देखो गांव वाले तो जो कुछ देंगे लेकिन सारा खर्चा हम उठाएंगे, आश्रम का सारा खर्चा उठाएंगे और यानी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो लोगों ने कहा भाई ऐसे नहीं। तो फिर यह हुआ कि चलो भंडारा हम चलाएंगे और बाकी जो और खर्चा होगा महात्मा जी के और जो खर्चा होगा प्रचार प्रसार का, इनकी बातों को पहुंचाने का जो भी है तुम गांव वाले अपना बांट लो। तो बोले कि ठीक है, चलो ठीक है। महात्मा जी भी कुछ नहीं बोले। अब वो भंडारा चलाने लगा, भंडारा चलाता रहा, आता जाता रहा, सत्संग होता रहा, लोगों को लाभ मिलता रहा, प्रचार प्रसार भी होता रहा। काफी अन्य समझ लो कि अन्य संख्या हो गई लोगों की। तो गरीबी ज्यादा होती थी उस समय पर, पैसे की कमी रहती थी, अनाज ज्यादा रहता था लोगों के पास, लेकिन नोट पैसे होते नहीं क्योंकि उस समय यानी चांदी के और इनके सिक्के चलते थे, मोहरें चलती थी उस समय पर। तो यानी समझ लो कि एक दिन क्या हुआ कि चोरों ने चोरी किया और माल लूट करके जब लाए तो बोले कि यानी भंडारा करेंगे, इसमें से कुछ हिस्सा यानी हम धर्म के काम में लगाएंगे और भंडारे में लोगों को खिला देंगे, सर्व महात्माओं को बुलाएंगे, प्रतिष्ठित लोगों को बुलाएंगे, भंडारे में हम यानी इनको खिलाएंगे और हमारा जो है जो ये पाप है वो क्षमा हो जाएगा। बहुत से लोगों की ये सोच रहती है कि भाई देवी के मूर्ति के सामने चलो प्रसाद चढ़ा दो, हनुमान जी के सामने प्रसाद चढ़ा दो, चलो भगवान के सामने यानी प्रसाद चढ़ा दो, चलो मंदिर में यानी समझ लो कि यानी कोई ऐसा काम कर दो कि जिससे जो है क्षमा हो जाए, कोई अच्छा काम कर दो, कपड़ा ला दो मूर्ति के लिए, पंखा लगवा दो, बिजली लगवा दो, पौशाला बनवा दो। ये सोच बहुत से लोगों की रहती है कि हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। अब आप ये समझो कि वो धन जो इधर उधर से आया यानी समझ लो वो तो साफ होता है, लेकिन ये जो दिल दिमाग उसमें लगाते हैं, जो शरीर के ऊपर आता है, वो कर्म जल्दी साफ नहीं होता है, भोगना पड़ता है। तो अब आप समझो कि उसने निमंत्रण किया आश्रम से, तो महाराज जी ने कहा कोई जाएगा नहीं वहां पर, उन्होंने नियम ही बना दिया कि कहीं खाने पीने जाने की जरूरत नहीं और वहाँ पूरी पकौड़ा सब चलता है, आने समय जो मिठाई बनती है जब बोध होता है, अब ये अपना सीधा साधा साधा खाना खाने वाले साधक लोग थे तो वहाँ से तो कोई गया नहीं। अब मोदी भी उस समय पर मोदी पठान जो था वो भी आने समय लो कि बड़ा आदमी हो गया, तो बड़े आदमी में उसकी भी यानी गिनती थी, उसको भी निमंत्रण दिया उन लोगों ने। अब जब गया वहां खाया और खा करके चला तब सोचने लगा, कहा देखो भंडारा मैं चलाता हूँ, भंडारा चलाना अभी बंद कर दूं तो ये सब भूखे मर जाएंगे, तो अब कुछ दिन के लिए बंद करूं देखूं कैसे चलता है। आया घर पर अपनी औरत से कहा कि सोच रहा हूँ कि अब भंडारा कुछ दिन के लिए वहां का बंद कर दूं। सोचने का देखो ऐसी गलती तो करना मत, जब से तुम भंडारा चलाने लगे हो
तभी से तुम्हारी बरकत बढ़ी है, और देखो कैसे क्या हालत थी और कहाँ तुम पहुंच गए। तो भंडारा तो बंद मत करना। अब दूसरे दिन सुबह पानी जब उठा तो आप आज नहीं जाएंगे उधर, उधर गया ही नहीं। फिर शाम को भी आने समय लोग शाम को भी नहीं गया। वही असर, जैसे हल्का जहर यानी शरीर के अंदर आ जाता है तो आने समय लोग दिमाग के ऊपर असर डालता रहता है। ऐसे असर दिमाग के ऊपर उसका आने समय लोग अन्न का रहा है। हवा जब तक एकदम से आने समय लोग खून की सफाई यानी नहीं हो जाती, तब तक तो खून में तो खून तो इसी से बनता है, अन्न से ही बनता है, तो वो तो अपना असर करेगा ही। बुद्धि किससे किससे बनती है? अन्य समय लोग की खाने पीने की चीजों से अन्य समय लोग की खून बनता है, और खून से ही बुद्धि पर असर पड़ता है, समझ लो उसी तरह की बुद्धि बनती है, तो बुद्धि उसी तरह की हो जाती है। देखो ये मांसाहार जब से बढ़ा तब से देखो बीमारियां बहुत बढ़ गई, खून दूषित हो गया, बेमेल हो गया, और उसका असर किस पर पड़ रहा है? दिमाग के ऊपर पड़ रहा है। देखो मांसाहारी कितना क्रोधी होता है, देखो मांसाहारी कितना और अन्य समय लोग की अपराधी प्रवृत्ति का बन जाता है। तो अब आप ये समझ लो कि असर उसका शाम को भी रहा। तो शाम को सत्संग में गुरु महाराज ने कहा कि देखो प्रेमियों, भंडारा होगा, भंडारा, और 1000 आदमियों को यानी तुमको भोजन कराना है, और ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास, 2-3 दिन का समय है, और तुम लोग इंतजाम करो। 1000 रुपया कम से कम लगेगा 1000 आदमियों को खिलाने में। सस्ता जमाना था, 1000 रुपये की भी उसमें बड़ी कीमत थी। तो लोगों ने रात को सत्संग के बाद शाम को आपस में प्रेमियों ने विचार विमर्श किया कि भाई 1000 रुपया आएगा कहाँ से, और 2 ही दिन का समय है, तो आए समय लोग कि कैसे हो पाएगा। अब सब लोग सोचने लगे, विचार करने लग गए। तो यानी जो आश्रम पर प्रेमी रहते थे उनमें से इसकी हाँ पठान की एक आदमी से ज्यादा पड़ती थी, ज्यादा प्रेम था, तो घूमता हुआ गया उधर, दुकान पर बैठा हुआ था, तो बोले पठान भाई आज तुम नहीं आए? बोले हाँ नहीं आया। तो कहे कि यार तो गुरु महाराज ने ऐलान कर दिया कि भंडारा करना है, 1000 आदमियों को खिलाना है, 1000 ही खर्चा लगभग उसमें लगेगा। अब वो अंदर अंदर सोचने लगा कि हम इसे तो मांगेंगे, हम इसे तो कहेंगे, आप हम करने वाले नहीं हैं, अब पता चलेगा इन लोगों को। कहीं अंदर अंदर सोचने लग गया, तो बातचीत तो होता रहा, बेमन से बातचीत करता रहा। फिर यानी जब थोड़ा सा वो यानी असर कम हुआ अन्य का, तो दूसरे दिन सुबह गया ऐसे ही बेमन से, और ऐसे गया और बेमन से ही ऐसे दिखावे का प्रणाम किया, क्योंकि प्रणाम तो अन्य समझ लो कि अंतर से होता है, ऐसे दिखावे का अलग होता है और अंतर से अलग होता है। बहुत से लोग जैसे दिखावे का रोना करते हैं ना, आंसू एक बूंद भी नहीं गिरता है, और चिल्लाते बहुत है, चाहे आदमी हो चाहे औरतें हो, चिल्लाएंगे बहुत, और जिनके अंदर से जिसको तकलीफ होती है बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन आंसू निकलता रहता है उसके अंदर से, यानी आंसू निकल आता है, पापी हृदय पिघल कर आंखों से निकल आया, इन आंसुओं की माला जो भेंट है हमारी। तो ऐसे ही बेमन से प्रणाम किया, बेमन से प्रणाम किया, और गुरु जी इसे देखते रहे। अब गुरु जी जब देखने लगे तो सोचने लगा अभी कहेंगे कि बच्चा भंडारा कर दो, लोग भी सोचने लगे कि इसी के अलावा और 1000 रुपया कौन दे सकता है इस समय, कोई संगत में नहीं है, और सब इकट्ठा करेंगे, सब लोग मिलकर इकट्ठा करेंगे तो 1000 रुपया नहीं इकट्ठा होगा, और 1000 आदमियों का भोजन भी आने समय लोग की राशन पानी इकट्ठा करके नहीं हो सकता, तो खरीदना तो पड़ेगा, उसके साथ और भी सामान खरीदना पड़ेगा, है चीनी है तेल है, ये सारी चीजें खरीदनी पड़े। देखता रहा तो बोले गुरु जी बोले, कह रहे बच्चा पठान? तो कहे हाँ गुरु जी। अरे वो हमारा भगत है। कौन भगत?
अरे वो मोती, यहाँ सरकार भगत तो है, यहाँ रहता है, पास के गांव में रहता है, वहां पर थोड़ी दूर कहे, हाँ सर सरकार 2 कोस का जेब होगा, 1.5 कोस? बोले हाँ हाँ तो बोले कि तो उसके पास चला जा और उससे कह दे 1,000 रुपया दे दे, भंडारा होगा, 1,000 आदमियों को खिलाना है। तब उन्होंने सोचा कि दिन में कमाता है और रात को खाता है, वो उसके पास तो कुछ है ही नहीं, फटे कपड़े पहन कर यहाँ आता है, झोपड़ी में रहता है, वो कहाँ से देगा? न जमीन न जायदाद है, वो कहाँ से देगा? सोचने लगा, तो खड़ा सोच ही रहा था, जब तक तो कुछ बोले तब तक फिर गुरु जी बोले, अरे जा तू चला जा, अरे खड़ा क्यों है, जा उसे ले आ 1,000 रुपया। आप इतना कह करके अंदर चले गए। आप जो लोग थे सब सुन रहे थे आसपास के लोग, बोले पठान भाई देर मत करो, गुरु के आदेश में यानी कोई बात होती है और गुरु आदेश देकर के किसी से कोई काम कराते हैं और फिर उसमें उसकी मदद हो जाती है, तो गुरु की आज्ञा चाहे रैन में हो, चाहे बैन में हो, चाहे सैन में हो, तो पठान भाई मानना चाहिए, क्योंकि तुमने नामदान लिया है और तुम जो है सत्संगी हो, सेवादार हो, तो अब सेवा से क्यों मुकरते हो? जल्दी करो, जाओ पठान भाई, हम लोगों को किसी कहते तो संदेशा तो जरूर पहुंचाते, तो संदेशा तो तुम पहुंचाओ, देखो कैसे क्या होता है इसको तो देखो। तो चल पड़ा। अब वहां जब पहुंचा है तो वो देख करके भगत खुश हो गया कि हमारे यहाँ एक तो गुरु भाई आया और दूसरे आने समय लोग ये सेठ आया, तो सेठ महात्मा या ऐसे लोग आने बहुत कम लोगों के यहाँ जाते थे, तो अब इस समय भी ऐसा है कि उसके यहाँ कैसे जाए? महात्मा तो जब कोई बुलाता है तो चले जाते हैं, समय रहता है तो, लेकिन ये और लोग जो होते ना पद के अहंकारी, धन के अहंकारी, ऐसे लोग छोटे लोगों के यहाँ नहीं जाते। तो उसने कहा भाई हमारे यहाँ आ रहे हैं पठान भाई आ रहे हैं और गुरु भाई आ रहे हैं, गुरु भाइयों का रिश्ता तो बड़ा होता है, हरे रवे लोग की खून का रिश्ता, वाले भाई तो मरने के बाद भूल जाते हैं लेकिन गुरु भाई तो भूलते नहीं और गुरु भाइयों का बड़ा रिश्ता होता है। तो पहुंचते ही सीने से लगा लिया और कहा पठान भाई आपने मेरे ऊपर बड़ी दया किया, बड़ी कृपा किया, मेहरबानी किया, तो ले गया बैठाया, टूटी हुई चार पाई थी उसी के ऊपर वही गुदड़ी डाल दिया जिस पर सोता था, बैठ गया पठान बैठ गया और फिर कुछ पानी पुनी लाया। तो पानी पुनी तू क्या पिलाएगा, तेरे लिए संदेशा लाया। संदेशा? हाँ। अरे किसका संदेशा? अरे गुरु का संदेशा। उछल पड़ा पठान भाई जल्दी बताओ, मुझकी मेरे लिए संदेशा भेजा, मुझे गुरु महाराज ने याद किया, जल्दी बताओ, अब समय बर्बाद मत करो बताने में, जैसे जैसे समय निकाल रहा है ऐसे ऐसे अन्य तरफ बढ़ती जा रही है उस संदेश को सुनने के लिए, जल्दी करो पठान भाई, बोलो क्या संदेशा लाए। पठान ने कहा मैं सोच रहा हूं तुमको बताऊं कैसे। अरे गुरु का संदेशा, अब ये सोच रहे हो कैसे बताऊं? अरे भाई बताओ जल्दी करो जब संदेशा लाए हो तो। अरे पठान मैं सोच रहा हूं कि तेरा दिल न बैठ जाए, अरे तेरा दिल धड़कने लग जाएगा जब तू सुनेगा। था उसने कहा गुरु के संदेशे को सुन करके बैठा हुआ दिल उड़ जाता है, धड़कता हुआ दिल थम जाता है, और पठान भाई तुम कह रहे हो दिल धड़कने लगेगा? तो कहा कि जो है अच्छा तो सुन, गुरु महाराज ने तेरे लिए संदेशा भेजा है कि तू 1,000 रुपया भंडारा करने के लिए दे, भंडारा करेंगे 2 ही 3 दिन का समय है। बोला वाह क्या संदेशा गुरु ने भेजा और क्या संदेशा आप लाए, उछल पड़ा। अब उसकी खुशी को देख करके आश्चर्य में पड़ गया कि बताओ उसके पास कुछ है नहीं, हाँ देगा कहाँ से ये। तो कहा चाव लो पानी पी लो, रोटी खिलाया। तो कहा कि अच्छा बता तू कहाँ से देगा? अरे देने वाला देगा, हमको क्या देना है पठान भाई, साफ हो जाएगा, गुरु
गुरु पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, साफ हो जाएगा। गुरु के आदेश का कोई काम कभी रुका है कि रुकेगा? तो खिलाया कहा खाओ, प्रेम से सब हो जाएगा। खाया पिया तो कहा कि चलो घूम जाओ। अब घूमने के लिए उधर जाने लगा, काफी दूर निकल गया घूमते, बात करते हुए गुरु की चर्चा। कहते ना कि गुरुदेव तेरी चर्चा, जब मुख खुले तो निकले, मुंह खुले तो गुरु की ही चर्चा। हमेशा आने सुनने की इच्छा हो तो परमार्थी ही बातें सुनी जाएं, देखने की इच्छा हो तो गुरु के रूप को ही देखा जाए, आने गुरु के प्रेमी की ही आंखों में आंखें मिलाया जाए, उसी को देखा जाए। तो चर्चा करते हुए बात करते हुए जा रहा था। अब वो कह रहा है, अरे पठान, वो कह रहा है, पठान कह रहा है, अरे मोती तू कहाँ ले जाएगा? अरे तू कुछ सोच, हमको बता तो। अरे बोले तुम रुक जाओ, बस चिंता न करो, ले करके चलेंगे। अरे बोले नहीं, हमको तो जाना। अरे बोले कैसे, ऐसे कैसे जाओगे बगैर काम किए हुए? और आज तो हमारे आप मेहमान हो, आज तो आपको रुकना ही पड़ेगा। घूमते घूमते जा रहा था तो उधर देखा एक गांव के किनारे भीड़ इकट्ठा है। लोगों से पूछा यहाँ पर भीड़ क्यों इकट्ठा है? तो कहा कि लोगों ने कहा यहाँ दंगल हो रहा है, कुश्ती मलयुद्ध होती ना, लड़ाई से पकड़ करके उठा पटकी करते हैं। तो कहा कि जो है दंगल हो रहा है। तो कहा जरूर दंगल देख लें। पठान भाई दंगल देख लिया जाए? पठान कहा बड़ा बेवकूफ है, बताओ इतना बड़ा काम, इतना बड़ा सिक्का बोझा, और इसको कोई फिक्र ही नहीं है। कह रहा चलो दंगल देखा जाए, ये तमाशा देखने जा रहा है। अरे मुझे सब हो जाएगा, चलो पठान भाई चिंता मत करो, जाएगी लाज तुम्हारी, हमारा क्या बिगड़ेगा। चल दिया। अब गया वहां एक पहलवान, हट्टा कट्टा, उस इलाके का बड़ा आदमी, जैसे कहते ना है कि करेला नीम के ऊपर अगर चढ़ जाए तो वो और कड़वा हो जाता है, उसमें तीखापन और आ जाता है। ऐसे ही पहलवान तो था ही और पैसे वाला था, तो ऐसे समझ लो कि वो उसी अखाड़े में घूम रहा था और ऐलान हो रहा था कि इन पहलवान साहब को जो हराएगा 1,000 रुपया उसको इनाम मिलेगा, यही ऐलान हो रहा था। तो सुन करके नहीं 500 रुपया इनाम मिलेगा, 500 रुपया इनाम मिलेगा, जो इनको यानी हराएगा उसको 500 रुपया इनाम मिलेगा। अब वो देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, फिर उसके बाद में सोचने लगा कि भाई 500 तो हराए, लेकिन जब हारेगा ही तो बहुत अट्टा कट्टा है पहलवान है, हारेगा तो 500 मिलेगा। थोड़ी देर के बाद जब कोई भी अन्य समझ लो कि नहीं उठ रहा हाथ मिलाने के लिए, तो दंगल कमेटी ने फिर ऐलान कर दिया, कहा कि अन्य समझ लो कि 1,000 रुपया इनको जो हराएगा उसको मिलेगा। तो सोचने तो लगा कि अब तो गाड़ी लाइन पर आ रही है, लेकिन हराने वाली बात कैसे क्या किया जाएगा, कैसे क्या किया जाए। तो पहलवान ने कहा, अब पहलवान से कोई हाथ मिलाने नहीं आ रहे, अब ये सोचने लगा लाओ चलो मिला ले हाथ, मिला ले हाथ। उसके बाद में पहलवान ने ऐलान किया अपना महत्व बढ़ाने के लिए कि कोई भी हमसे हाथ मिला ले, हाथ मिला ले, यानी हम अगर जीत जाएंगे तो हम यानी वो जीत जाएगा तो 1,000 ले जाएगा, और हम यानी अगर जीत जाएंगे तो उसको हम 1,000 रुपया दे देंगे, उसको दे देंगे। तब उसने कहा आप मौका अच्छा है। तो वो लोग जो पहले से यानी समझ लो कि सोच रहे थे यानी उतरने के लिए, वो तो सब ढीले हो गए, और इसने कहा आप मौका अच्छा मिल गया। तो पहलवानी तो कभी करता नहीं था कि लगोटी बांधता रहो, बस धोती को बिटोरा ऐसे और ऐसे पीछे लगाया और कुर्ता उतार करके फेंक दिया और पहुंच गया अखाड़े में, बढ़ा दिया हाथ। तब पहलवान ने कहा तूने ऐलान सुना नहीं?
मेरा ऐलान नहीं सुना? बोला ऐलान सुन के ही तो आया। ऐलान सुन के आया? सुना नहीं मैंने कहा कि मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा उसको जो आनी समझ लो कि हमसे जीत जाएगा या हार भी जाएगा, हमसे हाथ मिलाएगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, जो लड़ेगा उसी को मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, चाहे जीतेगा चाहे हारेगा। तब उसने कहा यही सुनकर तो आया हूं। तो कहा तो तू मरने के लिए आया है, तो उसको यहां से जाने देंगे? हमारे राज्य में कोई नहीं जाने देगा, जब मैं कह दूंगा कि इसको मार दो तो मार डालेंगे, इस इंतरी चटनी बना देंगे। तो बोला कि मैं मरने के लिए ही आया हूं, मरने के लिए ही आया हूं। तो कहा मरने के लिए आया है तो ये बता इनाम तेरे मरने के बाद ये लेगा कौन? तो कहा वो पठान लेगा, वो खड़ा है। तो कहा पठान? ये पठान कौन है? इसका तू करदार है? बोला इसका कोई करदार नहीं। तो फिर ये क्यों लेगा? ये इसलिए लेगा कि गुरु महाराज को ले जाकर के देगा और वो भंडारा करेंगे। पठान ने कहा बड़ा बेवकूफ है, कैसा गुरु इसने कर लिया कि जो चेला को मार करके और भंडारा करता है? तो कहा कि यानी तूने किसको गुरु बनाया? तो बताया कि हमने उनको गुरु बनाया। तो उन्होंने कहा है? अरे कहा है, मेरे से मांगा है, मेरे से मांगा है भंडारा करने के लिए। तो कहा कि तू तुझे से कहा है कि तू मर करके देना, मरने के बाद देना? बोले ये नहीं कहा है, ये नहीं कहा। तो कहा कि तब क्या कहा है? अरे मांगा था तो हम कहां से लाएं, हमारे पास है ही नहीं। तो हमने कहा चलो मौका अच्छा है, मर जाएंगे गुरु के नाम पर तो गुरु के आदेश का पालन तो हो जाएगा। अब सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग आश्चर्यचकित हैं, पठान के ऊपर भी अन्य समय लोग की इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। देखो कितना बड़ा भगत है और कितनी श्रद्धा है गुरु के प्रति, मरने के लिए तैयार है गुरु के आदेश पर। तब धीरे से कान में बोला कि ठीक है, तुझको मैं जिता दूंगा और तुझको इनाम मिल जाएगा, लेकिन ये बता तू अपने गुरु का दर्शन मुझे करा देगा? बोला हाँ वो तो कर ही देंगे, ये तो काम हम करते ही हैं, लोगों को ले जाते हैं, दर्शन कराते हैं, प्रवचन सुनवाते हैं, नामदान दिलाते हैं, भजन कराते हैं। तो कहा नामदान भजन क्या होता है? अरे नामदान भजन जब लेगा तब पता चलेगा, तू पहलवान अभी क्या तुझको मालूम है नामदान क्या होता है, भजन क्या होता है, हम क्या बतावें तुझको क्या होता है, वो तो जब तू चलेगा दर्शन करेगा तब तेरे समझ में आएगा। तो कहा पक्की बात है दर्शन कराएगा? पक्की बात दर्शन कराऊंगा। तो कहा अच्छा चल मिलाता हूँ हाथ। अब हाथ मिलाया और कुश्ती चालू हो गई। तो पहलवान ने भी सोचा, कहा कि अगर हम तुरंत गिर जाएंगे तो लोग कहेंगे कि भाई ही इसकी सेटिंग हो गई, इसने ऐसा कर लिया तो ठीक नहीं है, तो थोड़ी देर लाओ इसको हरावें और हराने के बाद इसको एक दो बार उठा पटकी करें तब फिर हम चित हो जाए। तो उठा पटकी जब करने लगा तब उसने सोचा कि ऐसा ना हो समय निकल जाए, अभी कोई और कुछ ऐलान हो जाए या इसी के बदले कोई बात आ जाए। तब उसने गुरु को याद किया, है ना, मन ही मन जैसे उन्होंने याद किया था, किसने, जैसे राम ने याद किया था, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना और अति लाघो उठाया ढंगीना, जब गए थे ना धनुष यज्ञ में तो उन्होंने कहा, बगल में खड़े थे विश्वामित्र बैठे हुए थे और राम और लक्ष्मण ऐसे बगल में खड़े हुए थे। तो जब जनक राजा जनक बिल्कुल निराश हो गए, बड़े बड़े योद्धा चले सबर देवन सेनाई, जितने भी राजा भूप और जितने भी आने समय जो कि वो आए थे पहलवान, वो सब अपनी ताकत लगा लिए, अपने अपने देवताओं को याद करके, देवी को याद करके जिसके जो उपासक थे, लेकिन धनुष को तिल भर इधर उधर नहीं खिसका पाए। तो राजा जनक निराश हो गए, वीर विहीन महिमा जानी, अब इस धरती पर लगता है वीर नहीं रह गए, धनुष तोड़ने वाले, धनुष उठाने वाले। तो जब निराश होने लगे और विश्वामित्र ने उनकी तरफ देखा है तो कहा कि संतन देखे चाल को चाल, वो परखे अंतर का हाल। तो अंतर का हाल परख लिया उनका, तब कहा
मैं कहा जनक संकल्प टापू उठो, अब खड़े हुए थे तो क्या उठते, यानी जब खड़े थे तो क्या उठते, और जब बैठे होते तब तो उठने वाली बात थी। उठो का मतलब यह है कि पूरी शक्ति को खींचो, भाव चापू भौहों के बीच में लाओ और यानी वहां से ताकत को लगाओ, देखो दृष्टि को डालो कि जैसे धनुष टूट जाए। तो उन्होंने पूरी शक्ति लगा दिया लेकिन धनुष हिला तक नहीं। तब बोले अंतर में कि अब आपकी दया के बगैर कुछ नहीं हो सकता, आपकी ताकत से ही ये काम होगा। तो गुरु ही प्रणाम मने मन कीना और लागो उठाए धन लेना। जब गुरु से दया मांगी और शक्ति आने अपने अंदर लिया तो देखते ही कहा ना छुवत उठावट खैचत गाड़ी, कोई छूटे उठाते खींचते देखा ही नहीं, और धनुष जो है टूटा हुआ पड़ा अन्य नजर आया लोगों को। उसी तरह से अन्य गुरु से जब ताकत लिया और ताकत उसके बटन में आई, बस फट से उसको पहलवान को अन्य चित कर दिया और चित कर दिया, गिर गया। अब गिर गया, उसको इनाम मिल गया, इनाम मिल गया और लेकर के घर चलाया। और पठान भी देख रहा है क्या हो रहा है, ये इसको समझ में नहीं आ रहा है। दूसरे दिन अनु सुबह ही वो पहलवान इनके घर पहुंच गया और कहा चलो अपने गुरु का दर्शन कराओ। उसके अंदर भी अनु समझ लो कि इच्छा और प्रबल हो गई कि मैं इतनी मजबूती से इसको पकड़े हुआ था और उसको फिर दोबारा पटकने जा रहा था, लेकिन कौन सा दांव इसने ऐसा लगा दिया है कि अनु समझ लो कि मैं गिर गया। तो जो अच्छे वरदान होते वरदान अच्छे वो अनु समझ लो दांव ऐसा बता देते। हमारे कॉलेज टाइम की बात है, वहां दंगल हो रहा था तो वो एक लड़का बहुत पहलवान और हट्टा कट्टा, वो भी उठ रहा खड़े तो उससे भी कोई हाथ ना मिला और एक दुबला पतला बिल्कुल ऐसे हल्का, कसरती तो था लेकिन दुबला पतला बहुत हल्का, वो उसने हाथ मिला लिया तो लोग सोचने लगे बहुत हल्का पड़ रहा है बहुत हल्का है। तो ऐसे यानी हाथ मिलाते ही यानी उसने ऐसे अपनी तरफ खींचा पहलवान ने और उसको पूरा ऐसे उठा लिया उसके पूरे शरीर को। और जैसे शरीर उसका उठा तैसे ये दोनों उंगलियों के बीच में अंगूठे और ये उंगली के बीच ऐसे जगह बना करके और यही घुटने के ऊपर यहीं पर ऐसे उसने दबाया जैसे तैसे वो एकदम चित हो गया। हाँ उठाते और गिरते दो मिनट भी नहीं लगा उसको और फिर लोग वाह 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 करने लगे। ऐसे ही जो यानी अच्छे खिलाड़ी होते हैं यानी अच्छे उस्ताद होते हैं वो दांव सिखा देते हैं। तो जो कहा गया कि संत जो होते हैं बड़े खिलाड़ी होते हैं, हर दांव पेच को जानते हैं, बस उसी समय दिल दिमाग बुद्धि उसी तरह की चली जाती है उसी तरह की हो जाती है और वो दांव समझ में आ जाता है। तो कहते हैं ना मुँह खुए बाचाल और पग चढ़े गिरवर गान, यानी जब गुरु की दया होती है तो गूंगा बोलने लगता है और अपंग होता है वो भी पहाड़ चढ़ जाता है। ऐसे ही जो पहलवान नहीं था उसके भी दिमाग में आ गया, हाँ फिर वो दांव मार करके उसको गिरा दिया था। इच्छा जग गई, रात में जल्दी नींद नहीं आई और सोचता ही रहा। सुबह जैसे हुआ तैसे पहलवान उसके घर पहुंच गया और पहुंच गया कहा चलो दर्शन कराओ। बोले हाँ चलो, रोब रुपया लेकर के ले गए, गए रख दिए। अब वो जो पठान है वो देख रहा सोच रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोले क्या करें और क्या यानी शर्म में तो था ही और कुछ समझ नहीं पा रहा ना। यह रहस्य गुरुदेव कर हेग न जाने को और जो जाने सदगुर कृपा जन्म मरण नहीं हुए। कहते सदगुर की कृपा यानी जो ले लेता है उसका जन्म मरण नहीं होता है, लेकिन उनके रहस्य को हर कोई नहीं समझ पाता है और जो समझ जाता है जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो उसने उनका जो रहस्य था वो जल्दी उसके समझ में आए। अब उसका बहुत प्यार दिया पठान को और पठान वहां पर रुका और रुका और ठहरा फिर खापी करके वो चला गया। और पठान को जल्दी रोटी नहीं भाई कि गुरु जी से जब तक पूछ नहीं लेंगे और जब तक समझ नहीं लेंगे तब तक कोई चीज हमको अच्छी नहीं लगी, तो खाया नहीं उसने। फिर जब मौका मिला तब कहा कि गुरु जी ये कैसे क्या हो गया, कुछ हमारे समझ में नहीं आया
और किस तरह से आपने हमको यह सब दिखा दिया और कर दिया और किस तरह से हमारी यह बुद्धि हो गई। तब उन्होंने कहा कि वो जो तू दावत खा करके आया था, जो भंडारा खा करके आया था, उसी के वजह से तेरा दिमाग खराब हो गया और तुझे अंदर से आस्था विश्वास खत्म हो रहा था। इसलिए अने तुझको यह सब दिखाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए कि महात्माओं का कोई काम रुकता नहीं है और छोटे छोटे लोग उस काम को हानि करके दिखा दिया करते हैं और पैसा और समझ लो कि इसमें अने बल अने कोई बड़ी चीज नहीं हुआ करती है। तो देखा तूने? हाँ, बोला सब समझ गया। अब सारा पर्दा हट गया, जो पर्दा था सब हट गया। हाँ, बस केवल अब आप ही आप रह गए। हाँ, बाकी अब ये सब निकल गए और अब कान पकड़ता हूँ देखभाल करके, सोच समझ करके, और फिर कोई चीज कहीं पर खाऊं पीऊंगा या जाऊंगा बुलाने पर। तो बोलो जय गुरुदेव, जय प्रेमियों काफिला निकलेगा 7 तारीख से, 7 जनवरी से, और यानी 7 को कार्यक्रम होगा इधर महू के आगे इंदौर जिला में, यानी मानपुर है वहां पर, उसके बाद उधर फिर ढुलिया, और ढुलिया से फिर उधर आपके नासिक, और नासिक से पूना, और पूना से कराड, और कराड से फिर उधर बेलगांव जिला में कर्नाटक पहुंच जाएंगे। तो कर्नाटक में कई कार्यक्रम होंगे, उधर से आपके आने समझ लो कर्नाटक से उधर स्थित दुर्ग, और उधर आपके पंपापुर, और उधर आपके आने समझ लो मंडिया, और उधर मैसूर के पास में श्रीरंगपट्टनम, और फिर उधर से निकल चलेंगे, उधर चलेंगे आपके तमिलनाडु में, फिर उधर आपके आने समझ लो कि आपके आने कोयम्बटूर, और फिर मदुरई, मदुरई से रामेश्वरम, और रामेश्वरम से फिर उधर लौटेंगे, और फिर उधर और कार्यक्रम होंगे, और फिर उसके बाद में फिर भी कोटा, और भी कोटा से फिर आपके यानी समझ लो कि तिरुपति बालाजी, और फिर हैदराबाद, और हैदराबाद से फिर इधर यानी एक कार्यक्रम और भी इधर कर्नाटक में होगा, और उसके बाद में फिर इधर आ जाएंगे यानी महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का करते हुए फिर उधर छत्तीसगढ़, इस तरह का कार्यक्रम बन रहा है। तो आप लोगों की जानकारी में बात डाल दिया, और लोगों को भी हमें बताने की जरूरत है, जो लोग चल सकते हैं जिनके पास साधन सुविधा है अपने हिसाब से चल सकते हैं काफी है। बोलो जय